लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भाई साहब ये मारपीट किस लिए हो रही थी? जमींदार के आदमी लगान वसूल करने के लिए आए थे। अच्छा अच्छा, तो फिर आप लोग लगान देते क्यों नहीं हो? कहाँ से दे, क्योंकि फसल अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जमींदार ना अच्छे बीज देते हैं ना ही खेतों के लिए पानी। जमींदार हमें देता क्या है? ना गांव में कोई अस्पताल है, ना कुआं है, ना बिजली है, ना कोई स्कूल है। अच्छा, आखिर हम लगान दें क्यों? अगर आप सब की समस्याएं दूर हो जाएं तो? कौन दूर करेगा? अरे दूर तो जमींदार साहब ही करेंगे, लेकिन आप सब गांव वालों को मेरा साथ देना पड़ेगा। साथ हम देंगे मगर जमींदार मानेगा नहीं। अरे मानेगा कैसे नहीं, उसकी जन्म कुंडली की किताब मैंने पढ़ रखी है। अब उसके सितारों को मैं कैसे घुमाता हूँ वो देखते जाओ। अरे बंदूक में गोली नहीं थी तो क्या हुआ? बंदूक तो थी। लेकिन ठाकुर साहब, आजकल की पब्लिक बहुत होशियार हो गई है। हाँ? वो यूं ही आसानी से मेरा मतलब है उल्लू नहीं बनती। ठाकुर साहब की जय हो। हाँ? जय किस बात की? मैं नहीं, वो। हाँ? जय हो ठाकुर साहब की जय हो। तुम किस खेत की मूली हो? अरे मैं मूली नहीं ठाकुर साहब, मैं राजनीति के खेत की गाजर हूँ। मीठी 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 मीठी, ये राजनीति का खेत क्या है? अरे राजनीति का खेत ठाकुर साहब, जिसमें बीज बोया जाता है वोटों का, फसल उगती है कुर्सी की, जिस पर बैठकर ताकत और दौलत दोनों काबू में आ जाते हैं। क्या समझा? नहीं अभी तक तो नहीं। हाँ ये हमारे जवाब का जवाब नहीं हुआ, नाम बताओ। मेरा नाम मंगल है ठाकुर साहब, मंगल। जिस पर गुरु और शनि का असर कम होता है ना, मैं उसके पास पहुंच जाता हूँ, असर बढ़ जाता है और वही होने लगता है जो वो चाहता है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बैठो बैठो बैठो। ठाकुर साहब, क्या है कि मुझे मालूम है कि आपके बाप दादा कई पुश्तों से इस गांव पर राज करते आए हैं, लेकिन अब जमाना बदल चुका है और अब लोगों पर काबू पाने के लिए आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के बजाय कर्ज देने का कारोबार शुरू किया है। ये ठीक बोलता है। हाँ। लेकिन लोग काबू में आने के बजाय कर्ज दबा के बैठ जाते हैं। हाँ। ठीक है ना। हाँ। और आपके लोग ज्यादा जोर जबरदस्ती कर नहीं सकते, वरना पुलिस थाना होगा। ये भी ठीक बोलता है। जी ठीक है। ठाकुर साहब, क्या है लोगों पर काबू पाने के लिए, हाँ, उनके दिलों पर राज करने के लिए आपको राजनीति की कुर्सी पर बैठना बहुत जरूरी है। मगर ये राजनीति की कुर्सी पर हम बैठेंगे कैसे? उसका रास्ता मैं बता दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा खर्चा जरूर होगा। खर्च करना होगा? हाँ। कितना खर्च करना होगा? बजट मैं आपको बाद में बता दूंगा, फिलहाल सिर्फ 10,000 रुपए। 10,000? हाँ हाँ, सैंपल के तौर पर। अगर मैं एक बार आपकी जय जयकार करवा दूं तो? तालियों के साथ? बिल्कुल गारंटीड। हाँ, मुनीम जी। जी। मुझे 10,000 रुपया दीजिए। लेकिन ठाकुर साहब, पैसा आपका नहीं मेरा है, जल्दी दीजिए जल्दी दीजिए। तो 10,000 में जय जयकार, तालियों के साथ। कैसा लग रहा है ठाकुर साहब? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और तालियां बजवाओ। हाँ बजवाओ बजवाओ ठाकुर साहब, लेकिन तुम्हारा पैसा नहीं मेरा पैसा। हाँ तो दोस्तों, ठाकुर साहब ने ये ऐलान करने को कहा है कि आज तक उन्होंने जिस जिस को भी पैसा उधार दिया है उसका एक एक पैसा वो माफ करते हैं। और आप सबका कीमती वोट पाकर वो कुर्सी तोड़ेंगे। तालियां। हाय डैड, हाउ आर यू? हेलो बेटा, हेलो बेटा। आजकल तुम बिल्कुल नहीं आते हो यहाँ, क्या बात है? डैड, गांव भी कोई आने की जगह है? जहाँ देखो वहाँ धूल, गर्मी, गंदगी, हर जगह गोबर पड़ा रहता है। ठाकुर साहब, ये आपके? ये मेरा गोबर है, मेरा बेटा है, विक्रम है, विक्रम। ये नमूना कौन है? ये नमूना नहीं है, ये बहुत खास आदमी है, ये हमको नेता बनाने वाला है। नेता? हाँ। You mean politics? हाँ हाँ, वही टिक्स। इन्होंने आज गांव में हमारे नाम की इतनी ताली बजवा दी कि हमारे बाप दादा ने भी जिंदगी में नहीं सुनी होगी। आप कहें तो आपकी भी बजवा दूं? हाँ। क्या मतलब? मतलब तालियां, तालियां। आप बहुत बदतमीज आदमी लगते हैं मुझे। बेटे तुम्हें कहीं जाना था? हाँ जा रहा हूँ। हाँ, see you later. See you, see you, see you. ठाकुर साहब, ये सचमुच आपका बेटा है? हाँ हाँ, सगा है। ओ, अच्छा। हाँ। इतना काला?
इनकी स्वर्गवासी माँ जो कुछ भी बनाती थी जला देती थी। ओह अच्छा, इसीलिए इतना जला भुना है। हाँ। जॉन, जमींदार का आदमी कोई नजर नहीं आ रहा, चलो तब तक ढाबे में जाकर कुछ खा पी लेते हैं। अबे ढाबे, अरे तुझे बात करने की तमीज नहीं है? अरे जैसा सवाल वैसा जवाब, तूने कहा अबे, मैंने कहा क्या बे, आप कहते कि सुनिए भाई साहब, मैं कहता क्या है भाई साहब। साले बहुत बोलता है। लेकिन सुनो, अगर तुमने ये तुम्हारे हाथ कहीं उठाए या चलाए ना, तो सीधा अंदर कर दूंगा। ये सवाल कैसा रहा? जवाब भी मिल जाएगा। मैं चल चल। बोल, खाएगा पिएगा या पिएगा खाएगा? अरे जो खिलाएगी खाएगा, जो पिलाएगी पिएगा। एक सब्जी ले आना और दाल कौन सी है? मूंग की दाल धुली हुई। हाँ वही लेके आना और जरा अच्छी तरह से धो के देना। क्या प्लेट? हाँ ये और मंगा लेंगे। अब बिजली मुझे एक दाल देना। देती हूँ। अरे दो अंडे की भुर्जी भेजना। अरे ठहर जा, पहले इसे दाल तो दे दूं। अरे उस उल्लू को बाद में देना, पहले हमें दे। ओए, उल्लू किसको बोला तूने? ओए, उल्लू किसने बोला? तूने? हमने? अरे नहीं नहीं नहीं, हमने तुमने में झगड़ा बढ़ जाएगा। भैया गुस्सा मत करो, इसने उल्लू नहीं कहा, और कहा भी है तो माफी मांग लेगा। चल माफी मांग। माफी किस बात की? हमने उल्लू कहा ही नहीं, और कहा भी है तो ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा? लो। भैया अरे माफी मांग लेना यार। चल ए भैया, ज्यादा जोर से मत मार रहा है, सिर्फ उल्लू ही तो कहा है। अब तुम्हारी बारी। वन टू थ्री। दीपको, गाड़ी के पीछे से उठा निकाल। चल। नहीं निकलता, मैंने बहुत खाना खाया, आराम कर रहा हूँ। ओए कौन है तू? मैं मंगल हूँ। क्या यार, खामखाम मुझ शरीफ आदमी को वो गुंडे रोब दिखा रहे थे, मैंने सोचा उन्हें असली मर्द से भिड़ा देता हूँ। शेर के सामने भेड़ बकरी बन गए दोनों। तू वो यदा यदा हे धर्मस, अर्थात जहां कहीं मेरी जरूरत होती है मैं वहां पहुंच जाता हूँ। जैसे गांव की समस्या सुलझाने के लिए जमींदार को पटाना जरूरी था, मैं वहां पहुंच गया। तुम जैसे भले आदमी से मिलना जरूरी था, मैं ढाबे में पहुंच गया। अब तुमसे दोस्ती करना जरूरी है तो मैं यहां पहुंच गया। हो जाए, अब ये दोस्ती बढ़ती रहनी चाहिए। जरूर बढ़ेगी। वादा? वादा। सुदीप बेटे, इस शिवरात्रि को काला डाकू की मौत बनकर आ रहा है तुम्हारा छोटा भाई। मैं तुम्हें पूरा विश्वास दिलाती हूँ, तुम्हारे खून की एक एक बूंद का हिसाब लेगा वो। बस बस एक बार
एक बाजार में। जी हाँ, कैप्टन साहब कहाँ हैं? बाजी, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सबको मार डाला उस बेरहम ने, मेरा सारा घर उजाड़ दिया उसने। ये कैसे हुआ माजी? किसने किया ये सब कुछ? काला डाकू ने। सालों पहले उसने मेरे पति की हत्या की और अब मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को जिंदा जला डाला। काला डाकू भी जिंदा जलेगा माजी, जिस तरह उसने आपके बेटे को जलाया उसी तरह आप भी अपने हाथों से उसे जलाएंगी, ये मेरा वादा रहा।